तो फ्रेंड्स, आज हम सब लोग एक और इम्पोर्टेंट टर्म जिसका इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ किया जाता है, क्वार्टो और फोलियो के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम फोलियो के बारे में डिस्कस करते हैं कि फोलियो क्या है। फोलियो लॉन्गेस्ट पेज होता है जब एक पेज को दो भागों में बांट दिया जाता है। वन अ पेज फोल्डेड वंस एंड कन्वर्टेड इंटू टू लीव्स, इट मीन्स फोर पेजेस टू द शीट, इट इज़ कॉल्ड फोलियो। यानी कि एक पेज, बड़ा सा पेज आप फाइल कर लीजिए और उस पेज को एक बार जब आप मोड़ेंगे तो उसमें टू लीव्स होंगी, यानी कि दो पेजेस होंगे और वो उसमें फोर साइड लिखा जा सकता है। फोर पेज लिखने के लिए हो गए, लीव्स कितनी हो गई टू और पेजेस कितने हो गए फोर, इसको हम फोलियो कहते हैं। क्वार्टो क्या है? और अच्छा, फोलियो के बारे में एक चीज़ और, ऐसा माना जाता है कि जनरली जो फोलियो है वो लॉन्गेस्ट काइंड होता है पेज का और इसकी जो लेंथ है, हाइट है, वो 30 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अपोजिट जो क्वार्टो है, क्वार्टो में क्या करते हैं कि पेज के साइज़ को दो बार उसको फोल्ड करते हैं, है ना। पेज के साइज़ को जब हमने दो बार फोल्ड किया, मान लेते हैं बड़ा सा पेज लिया और उस बड़े के पेज को दो बार फोल्ड किया, एक बार आपस में मिलाया फिर एक बार मिलाया, तो इस तरीके से वो पेज जो है ना, जो उसकी लीव्स होंगी वो होंगी फोर, लेकिन उसमें जो पेजेस होंगे वो हो जाएंगे एट जा करके। ये साइज़ में छोटा होता है और सस्ता होता है, तो इसको क्वार्टो बोलते हैं और बड़े वाले को फोलियो बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।